झांसी रानी बाई को घोड़े पे देखा था, रजिया सुल्ताना फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठी हुई है। वो लंगा चुनाव, फालतू चुनाव, 200 करोड़ रुपए बीजेपी डालता, ये लंगा इलेक्शन अब आपके पूरे मीडिया को पसंद, डालो डालो डालो। इला अपनी टीआरपी के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी सियासत के रोटियों को गर्म करने के लिए। रही बात शर्मिला जो भी काम करी कल राजभवन रोड के ऊपर सोमाजी गोड़ा के पास, यशोदा के पास जो गाड़ी में बैठ के काम करी, बेहतरीन काम करी, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं। झांसी रानी बाई को घोड़े पे देखा था, मॉडर्न लेटेस्ट झांसी रानी बाई रजिया सुल्ताना फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठी हुई है, पूरी सिटी को रोक दी, पूरों को बतलाई कि मेरे को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रहे, ना मुख्यमंत्री मेरे से मिलना चाहता, क्योंकि मुख्यमंत्री चोर है, बोल रही उन्हें ठहर के, बट्टेबाज है बोल रही। तो मुख्यमंत्री उसको बुला लिए तो हो जाता था ना ये लपड़ा कहीं को, मुख्यमंत्री तो हरिश्चंद्र बनते। भाई मैं सबको देख ले रहा हूं, मैं सबको लेके चल रहा हूं, मैं सोशल जस्टिस कर रहा हूं, मैं बीसी को, एससी को, एसटी को, माइनॉरिटी को, सबको एक जैसा वैसा देखता हूं, बोल के आप बोलते तो फिर आपको डर के क्यों है मुख्यमंत्री साहब। और रही बात मुसलमानों के लिए, आप क्या करें, कुछ भी नहीं करें आप, सिर्फ शादी मुबारक, पेंशन, और क्या करें आप, कुछ भी नहीं करें। 12% रिजर्वेशन आप देते बोले, आज आप एसटी का रिजर्वेशन बढ़ा दिया, जो 6% था 10% आप उसको साइन कर दिए, 20,000 नौकरियां भी आप दे दे रहे। सेम वादा आप मुसलमानों से भी कर रहे थे ना, मगर आप उसको अमल नहीं कर रहे। तो ऐसे लाखों चीजें हैं जो अपोजिशन आवाज उठाना चाहता, और अपोजिशन को आप खुली छूट देना, ये हमारा दस्तूर बोलता। फेरोज खान साहब, तेलंगाना में 2-4 दिन से सियासत पूरी चेंज हुई है, जो बीजेपी वाले एहतजाज कर रहे हैं, वैसा अपने शर्मिला का एहतजाज, पूरा क्या चल रहा तेलंगाना में, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। देखिए एहतजाज करना आपको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा दस्तूर अपने को परमिशन दिया सो है जी। मैं एक बार सीधा केसीआर से ये पूछना चाहता हूँ कि आप बंडी संजय को जो रोके बीजेपी, चलिए भैंसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कम्युनल इफेक्टेड है, सेंसिटिव है, आप उनको वहाँ पे रोके, ओके बात समझ में आई, बट आप शर्मिला को कहीं को रोके? देखिए बंडी संजय भी रोडों के ऊपर जा रहा तो उसको जाने दीजिए, शर्मिला रोडों पे जा रही तो उसको जाने दीजिए, आप उनको रोक रहे हैं क्यों? और रही बात शर्मिला की इन पर्टिकुलर, गलत बात है ना, जब वो खवातीन परमिशन अप्लाई करके जब उन्हें पब्लिक में जा रही, पर्सनल उसका कुछ भी नहीं, उन्हें जो कुछ भी बात कर रही वो आवाम के लिए बात कर रही, आवाम की तकलीफ के लिए बात कर रही। और जब भी आप गवर्नमेंट में हैं, आप अपोजिशन को खुली छूट देना। अगर से केसीआर साहब के पूरे वादे अमल हो रहे तो फिर केसीआर साहब को डर क्यों है? शर्मिला का आप कान में रोक दे रहे हैं, शर्मिला की बस जला दे रहे हैं, यह बात गलत है। रही बात बीजेपी की, बंडी संजय को फिरने दो, क्योंकि बंडी संजय बीजेपी का प्रेसिडेंट तेलंगाना है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बीजेपी पार्टी के बारे में इन्हें प्रचार करता, करने दो इसको। आवाम को पता तो चले कि बीजेपी तेलंगाना के लिए क्या करी, 1 करोड़ रुपए तो भी सेंटर से लाके बीजेपी तेलंगाना के लिए खर्च करी क्या, आवाम में फिरने दो। अगर से आप इनको रोकेंगे तो यह बताएंगे कि हम बीजेपी के खजाने से, नरेंद्र मोदी के पास से पैसे लाके तेलंगाना डेवलप कर रहे हैं। ये लोग झूठा हिसाब बताएंगे
कि ये डबल बेडरूम बन रही हमारे पैसे है, हॉस्पिटल बन रही हमारे पैसे है, रोडा बन रही हमारे पैसे है, स्कूल बन रही हमारे पैसे है, तो इन लोगों को छोड़ दो आप। आप जितना सख्ती करेंगे केसीआर साहब उतना लाइमलाइट में आएंगे ना, इला अपने पब्लिक मीटिंगों से मशहूर नहीं हो रहे, आप जो इनको रोक रहे और पूरा प्रेस चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रहो प्रिंट रहो सोशल मीडिया रहो टीआरपी का दीवाना हो चुका, असली मुद्दों के ऊपर किसको सुनने का नहीं है, पब्लिक इश्यूज के ऊपर किसको बात करने का नहीं है, आवाम के मसले मसाइल के ऊपर डिस्कशन नक्को, डिबेट नक्को, बेकार बातों के ऊपर सब इंटरेस्टेड हो गए। अब जैसा मुनगोड़ का चुनाव, वो लंगा चुनाव फालतू चुनाव, 200 करोड़ रुपए बीजेपी डालता, 200 करोड़ रुपए टीआरएस डालता, 1000 करोड़ के वेलफेयर स्कीम मुख्यमंत्री डालते, टीआरएस पार्टी के 84 एमएलए मुनगोड़ में रहते, 15 मिनिस्टर मुनगोड़ में रहते, हैरत हो गई मेरे को। मुनगोड़ में 7 बजे 8 बजे एमएलए दोनों को खटखटा के चिकन मटन और शराब के बाटलान दे रहे। ये लंगा इलेक्शन अब आपके पूरे मीडिया को पसंद, डालो डालो डालो, लुंगी कुर्ता धोती 1000 रुपए, शराब पे इलेक्शन था, अब इलेक्शन क्या हो गया, बाइक कार लैपटॉप सेलफोन 1 तोला सोना, बच्ची की शादी है तो डिपॉजिट, बच्चे की इंजीनियरिंग एमबीए की है तो उसकी फीस डिपॉजिट, ऐसा इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन को मुनगोड़ इलेक्शन, ये नंगे इलेक्शन को आप पूरे देखते जा रहे हैं। सो प्रेस से मेरी गुजारिश है, पॉलिटिशियंस तो रियल इश्यूज बात नहीं कर रहे, पब्लिक इश्यूज बात नहीं कर रहे, ये पॉलिटिशियन डाइवर्जन दे रहे, डिविएशन दे रहे, असली मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, रोजगार नहीं बात करते, नौकरियां नहीं बात करते, डबल बेडरूम नहीं बात करते, लोन फैसिलिटी नहीं बात करते, खवातीन का स्किल डेवलपमेंट नहीं बात करते, स्कूला नहीं बात करते, हॉस्पिटल नहीं बात करते, प्राइस हाइक आसमान के ऊपर चढ़ के बोल रहा नहीं बात करते, क्या बात करते, टीआरएस ऐसा बीजेपी ऐसा कांग्रेस ऐसा, जो असली बात इस नहीं है। आवाम को एक आदत हो गई, वो केजीएफ पिक्चर देखे, बाहुबली पिक्चर, हर एक पिक्चर देखने की आदत हो गई। अभी मुनगोड़ का एक पिक्चर हो गया और सुम कविता का पिक्चर था, फिर अरविंद का पिक्चर स्टार्ट हो गया, अब फिर शर्मिला का पिक्चर स्टार्ट हो गया। अरे भाई इन लोगों के पूरों के पिक्चर चल रहे, इला अपनी टीआरपी के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी सियासत के रोटियों को गर्म करने के लिए, इनके कारोबार को चमकाने के लिए पूरा ड्रामा कर रहे। पब्लिक इश्यूज कौन बात कर रहा, तो मुख्यमंत्री को मैं एक सजेशन देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री साहब जिसको चाहे उसको फिरने दीजिए, अगर से आपके प्रोग्राम आपके वादे आपके स्कीम्स अमल होए तो, मगर आप रोक रहे तो ये समझ में आ रहा कि आपके स्कीम्स अमल नहीं हो रही।